तेजी से एक वीडियो और तस्वीर वायरल हो रही है। इसमें सेलिब्रिटी रश्मिका मंदाना दिखाई देती है। इस वीडियो और फोटो के वायरल होते ही हंगामा मच गया। हमें यकीन है आप भी इसे देखकर कहेंगे ये रश्मिका मंदाना ही है। लेकिन आपको बता दें ये वीडियो और तस्वीर फेक है। अब हम आपको इसकी असलियत बताते हैं, एक फोटो दिखाते हैं। असल में ये फोटो है इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी सारा पटेल की, जिसे डीफेक टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए रश्मिका मंदाना का चेहरा बनाया गया है। रश्मिका मंदाना के इस फेक वीडियो और फोटो के बाद अमिताभ बच्चन ने भी चिंता जाहिर की, इसे रोकने के लिए कानूनी कार्रवाई की जरूरत बताई। सरकार को भी सफाई देनी पड़ी। सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एक पोस्ट करते हुए लिखा, कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले सभी डिजिटल नागरिक की सुरक्षा और भरोसे को सुनिश्चित करने को लेकर प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि डीफेक लेटेस्ट और सबसे खतरनाक है, इससे डील करने की जरूरत है। मंत्री ने फर्जी खबर फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की बात कही। अब सवाल उठता है कि ये डीफेक आखिर है क्या। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ गोहित कौशिक। इंडिया टीवी एक्सप्लेनर में तलाशेंगे इसी सवाल का जवाब, साथ ही जानेंगे कैसे शुरू हुई ये डीफेक टेक्नोलॉजी, कैसे कर सकते हैं आप इसकी पहचान। मॉनसून कहर बरपा रहा है, जानते हैं तमाम सवालों का जवाब। शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का मुद्दा सवाल बड़ा। डीफेक यानी किसी इमेज या वीडियो में हेरफेर कर उसे बेहद रियल बना देना, ताकि लोग इस पर आसानी से भरोसा कर ले, यानी ये बिल्कुल असल दिखे। समझते हैं क्या है डीफेक टेक्नोलॉजी। किसी रियल वीडियो में दूसरे के चेहरे को फिट कर देने को डीफेक नाम दिया गया है, जिससे आप लोग यकीन मान ले। डीफेक से वीडियो और फोटो को बनाया जाता है। इसमें मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया जाता है। इसमें वीडियो और ऑडियो को टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर की मदद से बनाया जाता है। इसी डीफेक से रश्मिका मंदाना का वीडियो बनाया गया। ये टेक्नोलॉजी जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स का इस्तेमाल करती है, जिससे फेक वीडियो और इमेज बनाए जाते हैं। ये ठीक उसी तरह है जैसे बच्चा किसी चीज की नकल करता है। इस तरह के फोटो वीडियोस में हिडन लेयर्स होते हैं, जिन्हें सिर्फ एडिटिंग सॉफ्टवेयर से ही देखा जाता है। एक लाइन में कहें तो डीफेक रियल इमेज वीडियोस को बेहतर रियल फेक फोटो वीडियोस में बदलने की एक प्रक्रिया है। डीफेक फोटो वीडियोस फेक होते हुए भी रियल जैसे नजर आते हैं। अब आते हैं अगले सवाल पर, कैसे कर सकते हैं डीफेक की पहचान। इस तरह के फोटो वीडियोस को पहचानना आसान तो नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। इन्हें पहचानने के लिए आपको वीडियो को बहुत ही बारीकी से देखना होगा, खासतौर पर चेहरे के एक्सप्रेशन, आंखों की मूवमेंट और बॉडी स्टाइल पर ध्यान देना होगा। इसके अलावा बॉडी कलर से भी आप इनकी पहचान कर सकते हैं। आमतौर पर ऐसे वीडियोस में चेहरे और बॉडी का कलर मैच नहीं करता है। इसके अलावा लिप सिंकिंग से भी इस तरह के वीडियोस की पहचान की जा सकती है। ऐसे वीडियोस को आप लोकेशन और एक्स्ट्रा ब्राइटनेस से भी पहचान सकते हैं। चलिए अब जानते हैं डीफेक वीडियोस पर क्या सजा होती है। यदि आप मजाक में किसी का डीफेक वीडियो बनाते हैं और शेयर करते हैं, तो आपके खिलाफ आईपीसी की धारा के तहत कार्रवाई हो सकती है, भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा यदि किसी की छवि खराब होती है, तो आपके खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। इस मामले में सोशल मीडिया कंपनियों के खिलाफ भी आईटी नियमों के तहत कार्रवाई हो सकती है। शिकायत के बाद 36 घंटे के अंदर सोशल मीडिया कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म से इस तरह के कंटेंट को हटाना होगा। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें इंडिया टीवी।